अस्सलाम वालेकुम दुनिया और पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान अमीन रज़ा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज हम ज़ियाउद्दीन चुरंगी पर गुजर नाला पर मौजूद हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम कहां तक हो चुका है, सबसे पहले हम आपको ज़ियाउद्दीन गुजर नाला ये दिखाएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस हद तक तकमील पा चुकी है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लंडी कोतल चुरंगी। लंडी कोतल चुरंगी से 5-स्टार चुरंगी तक बरसाती नाला भी ज्वाइन किया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक तकमील पा चुकी है वो भी दिखाएंगे। और इसके बाद हमारा जो पॉइंट अगला है वो है प्याला होटल पर आपको दिखाएंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था और जो मेरा शुरुआत थी वीडियो की वो प्याला होटल से ही थी, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम तब भी काफ़ी हद तक हो चुका था। आज हम आपको दिखाएंगे कि वो काम किस हद तक कम्प्लीट हो चुका है, तो हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं देखते हैं कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। नाजरीन अगर ज़ियाउद्दीन से नीचे की तरफ आएँ 300-400 मीटर दूरी पर तो वहाँ कौसर न्याजी का इलाका है जहाँ पर जो है नदी का बंध टूट गया था, जो कि दीवार दी जा रही थी कंस्ट्रक्शन की, बंध टूटने की वजह से काम ताखीर में आ गया और अभी जो है पिछले 10 से 15 दिन से जो है पानी निकाला जा रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो 3 से 4 जनरेटर चल रहे हैं जो कि पानी मुसलसल पिछले 8-10 घंटे से डेली चलते हैं। इस तरीके से जो बंध टूटने की वजह से पीछे पानी गया है वो बाहर निकाला जा रहा है, और वरना अगर ऐसा बंध नहीं टूटता तो शायद यहाँ तक की कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो चुकी होती। मेरे पीछे अगर कैमरा मैन दिखा सके तो एक मशीन भी चल रही है जो कि पीछे काम काफ़ी तेज़ी से जा रही है। हमारे साथ रहिएगा, अगले पॉइंट पर आपको लेकर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी हद तक हो चुका है और वहाँ पर जो है बंध टूटने की वजह से काम रुका था। मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सकता है आपको कि काफ़ी हद तक जो है इस नाले की दीवार तामीर हो चुकी है, आगे जाल भी बिछा दिया गया है, जैसे ही आगे पानी निकलेगा तो यहाँ आगे काम शुरू हो जाएगा। जी नाजरीन, इस वक्त मैं जो है लंडी कोतल की चुरंगी पर मौजूद हूँ जो कि 5-स्टार से लेकर लंडी कोतल तक बरसाती नाला जो है वो आपको काफ़ी जगह सुनने को मिला है पाए तकमील तक पहुँच चुका है, जो जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी इख्तिताम तक पहुँच चुका है। आपके सामने जो है मेरी बैक साइड पे आपको मज़दूर काम करते हुए दिखाई देंगे और अभी जो है लंडी कोतल चुरंगी को ये काम इख्तिताम पजीर होने वाला है ये दिखाएंगे। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन जो पीछे है वो भी अभी मैं आपको कंप्लीट इसकी दिखाऊंगा कि ये पीछे कितना बन चुका है, इसके ऊपर दीवार किस हद तक आ चुकी है और चुरंगी के हालात क्या हैं, किस तरीके से जो है इसका काम अभी कितना बाकी है। मज़ीद अभी भी इसको 10 से 15 दिन लग सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी रिपोर्ट आपको जो है हम सच से आगाह करेंगे। देखते रहें दुनिया और पाकिस्तान। जी नाजरीन, लंडी कोतल से 5-स्टार तक बरसाती नाले का जो काम है वो पाए तकमील तक पहुंचने वाला है। आधी दीवार कंस्ट्रक्ट हो चुकी है और आधी जो है रहती है। इसकी जो है अपर जो कवरिंग का काम था वो हो चुका है, अब रोड सेपरेट किए जा रहे हैं, सेंटर दीवार देने के बाद जो है रोड जो है दोबारा बनाए जाएंगे। जी नाजरीन, हमने आपको दिखाया लंडी कोतल से 5-स्टार तक किस हद तक काम पाए तकमील तक पहुँच चुका है, अब हम आपको लेकर चलेंगे प्याला होटल के पास के गुजर नाले काम किस हद तक हो चुका है।
जी नाजरीन, इस वक्त मैं जो है प्याला होटल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है मैंने पहली वीडियो आज से 2 महीने 28 दिन पहले जो है वीडियो एक अपलोड की थी, और उस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल थी वो भी आपको दिखाई। FW का काम जो है इस वक्त इस महारत से हो रहा है कि जदीद नाले को बनाया जा रहा है। दोनों इतराफ में जो है छोटे छोटे नाले बनाए गए हैं, जिसमें जो है घरेलू पानी जाएगा, और सेंटर में एक बड़ा नाला है जिसमें जो है पानी जब ओवरफ्लो होगा तो उसमें छोड़ दिया जाएगा। जिस तरीके माजी में कराची में जो नुकसानात हुए इस नदी नाले की वजह से, जब बरसात आ जाती है तो लोगों के घर तबाह के तबाह ही हो जाते हैं, रोडों की हालत आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से है। माजी में जो कुछ हुआ है उस चीज़ को दूर करने के लिए FW ने जो काम किया है उसको मैं दाद देता हूँ। और आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।